स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट नासा के मार्स पर्सीवरेंस रोवर के लॉन्च को लेकर है। आज यानी 30 जुलाई 2020 को 7:50 AM EDT और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 5:20 PM पर नासा के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से पर्सीवरेंस मार्स रोवर को सक्सेसफुली एटलस 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च कर दिया गया है। यह पर्सीवरेंस रोवर अपने लॉन्च के बाद करीब 7 महीनों का सफर तय करके 18 फरवरी 2021 को मार्स के ऑर्बिट में दाखिल होगा और लगभग 21 फरवरी तक यह मार्स के जैजरो क्रेटर पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। बाकी इस मार्स 2020 पर्सीवरेंस रोवर के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर लॉन्च के ठीक 5 मिनट बाद अपलोड की थी। अगर आपने अब तक यह वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज की दूसरी अपडेट मार्स पर ढूंढे गए स्ट्रेंज गैस सिग्नेचर्स को लेकर है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया के ज्वाइंट वेंचर से बनाए गए ट्रेस गैस ऑर्बिटर, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था, उसकी मदद से मार्स पर 2 नए स्ट्रेंज गैस सिग्नेचर्स को डिटेक्ट किया गया है, जिसकी मदद से मार्स पर मीथेन गैस की मिस्ट्री को सुलझाने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर मीथेन गैस जहां पर पाई जाती है, वहां पर किसी न किसी रूप में बायोलॉजिकल लाइफ भी पाई जाती है, और मीथेन गैस ज्यादा सालों तक नहीं रह सकती। इसका मतलब मीथेन गैस 100 सालों से कुछ ज्यादा ही पुरानी हो सकती है, लेकिन जब मार्स की पूरी लाइफ अरबों साल पहले ही खत्म हो चुकी है और प्रेजेंट टाइम में मार्स पर किसी प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, तो ऐसे में वहाँ पर मीथेन गैस किस प्रकार पाई जा सकती है। इस मीथेन गैस के सवालों को ट्रेस गैस ऑर्बिटर के द्वारा मार्शियन एटमॉस्फेयर में ढूंढी गई नई गैसेस की स्टडी करने के बाद सुलझाया जा सकता है, और इस ऑर्बिटर के द्वारा मार्शियन एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैसों की और ओजोन गैस की डीप स्टडी की जा रही है, जिससे कि मार्स पर मौजूद इस मीथेन गैस की मिस्ट्री के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। आज की तीसरी अपडेट भारत सरकार द्वारा इसरो के साथ प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन को बढ़ाने को लेकर है। भारत सरकार के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने पर इसरो ने आज अपनी ऑफिशियल साइट पर यह बताया है कि इसरो के द्वारा इंडिजीनियस सैटेलाइट्स और स्पेस के फील्ड में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं, और पिछले 5 सालों में इंडिया स्पेस के फील्ड में सैटेलाइट लॉन्चिंग को लेकर आत्मनिर्भर बन भी चुका है, और उसकी इस सक्सेस के साथ 500 से भी ज्यादा MSMEs, PSUs और लार्ज प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और इससे लगभग भारत में 45,000 से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। और इसरो के साथ प्राइवेट सेक्टर की और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने से भारत भी कई सारी स्पेस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सकेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।